तो यहाँ पर 5 प्रॉब्लम करेंगे जो कि अच्छी प्रॉब्लम्स होगी ट्रिग्नोमेट्री में, जो जेई मेन के लिए या एडवांस के लिए जो काम किए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 20 ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 20। तो यहाँ पर 5 प्रॉब्लम लेता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर जेई मेन्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 स्क्वायर 20, तो यहाँ पे कॉमन लेता है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको डिवाइड में 10 स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 20, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी वैल्यू एक्स एंड वाई के लिए ये जो दो इक्वेशन है वो साइमल्टेनियसली होल्ड करती है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी वो बतानी है। तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, cos² y + sin² y 1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 3a/2 + a²/2। तो यहाँ से जो अपने पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a² + 3a - 4 = 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर करेंगे तो a की वैल्यू एक तो -4 आ रही है और a की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसमें से कौन सी पॉसिबल है? तो बेसिकली ये जो sin² x + cos² y है जो नेगेटिव तो होगा नहीं बेसिकली, तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगी और a = 1 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर अपन को थर्ड प्रॉब्लम में एक्स की वैल्यू 0 to π/4 दे रखी है, cos x + sin x की वैल्यू 5/4 दे रखी है और अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू पता करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो cos x - sin x है इसको कुछ वाई मान लेता है, और 0 to π/4 में कॉस बड़ा होगा तो जो वाई की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y² = 1 - 2 sin x cos x आएगा। और ये जो इक्वेशन है इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1 + 2 sin x cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/16। तो यहाँ पर sin x cos x की वैल्यू अपन को चाहिए 2 sin x cos x की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, 9/16। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 9/16 विच इज 7/16। और जो है अपन को 16 times cos x - sin x² पता करना है और y क्या है cos x - sin x, तो 16 times y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अपन को फोर्थ प्रॉब्लम में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली इसको कैसे करेंगे, जो sin⁴t + cos⁴t है -1 है उसको ऐसे लिख सकता है sin²t + cos²t² - 2 sin²t cos²t -1, ये 1 हो जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली -2 sin²t cos²t आ जाएगा। वैसे जो sin⁴t + cos⁴t - 1 है इसको ऐसे लिख सकता है sin²t + cos²t³ - 3 sin²t cos²t, और यहाँ पर आएगा sin²t cos²t - 1। तो ये वाली क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी और ये वाली भी 1 हो जाएगी जो कि इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 sin²t cos²t। तो बेसिकली ये जो चीज है वो क्या हो गई, 3 - 2 sin²t cos²t डिवाइडेड बाय -3 sin²t cos²t, ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को फिफ्थ प्रॉब्लम में sin θ - cos θ की वैल्यू 1 दे रखी है, तो sin³θ - cos³θ की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली इसका स्क्वायर करेंगे, इसका sin²θ + cos²θ, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 sin θ cos θ 1। तो यहाँ से जो sin θ cos θ है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये है ये a³ - b³ है, तो इसको क्या लिखेंगे, बेसिकली कैसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a - b² + ab + b²। बेसिकली ये वाली क्वांटिटी यहां से 1 दे रखी है, sin²θ cos²θ 1 होता ही है, sin θ cos θ की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्वांटिटी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।